हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ संख्याओं पे आधारित प्रश्न। और कंडीशन ये रहेगी क्वेश्चन में कि जब दी गई संख्या में, हमें कोई संख्या दी रहेगी, उसमें किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो या मिल जाए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई दी गई संख्या हो उसमें किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो पिछले वीडियो में हमने गुणा का पढ़ा था, इस बार वीडियो में दोस्तों हम भाग का पढ़ेंगे कि किस संख्या से भाग किया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो चलिए क्वेश्चन से करके देखते हैं और ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। और ये एग्जाम हमारे व्यापम और SSC और IBPS में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। हमें दिया है संख्या 128 में किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए कि वह पूर्ण संख्या मिले। तो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया है कि 128 में कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो जैसा हमने पिछले वीडियोस में किया था गुणा वाले में, हमें ऐसे ही यहीं पे भी करना है। हमें 128 दिया है, हम 128 का LCM निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम 2 से देते हैं भाग, 2 छिंग 12 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 तीय 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 हुआ, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2 हुआ। हमें यही वो देखना था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पेयर देखना है। ये देखिए, दो दो के पेयर बन गए हैं, पर ये दो का पेयर नहीं बना है, ये दो ही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये दो एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि जब हम इस संख्या में 2 से भाग देंगे ना, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देख के देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 चौके 8, ठीक है, 64 है ना, 8 अट्ठे 64, 8 इंटू 8 करें तो 64 प्राप्त होता है। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका मतलब 2 हमारा सही आंसर है। मतलब ये 128 में यदि हम 2 से भाग करें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। हमें दिया है 147 में किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिले। देखिए आप, हमें 147 दिया है, हमें जो पहले क्वेश्चन में किया वही 147 का हम LCM निकाल लेते हैं। ये कटेगा हमारा 3 से, 3 चौके हुआ 12 और 3 नाम हुआ हमारा 27। अब 7 से काट देते हैं डायरेक्ट, 7 सत्य हुआ 49 और 7 एकम 7। देखिए, 2 का पेयर 7 का पेयर मिल गया है पर 3 का नहीं है, तो ये 3 ही हमारा आंसर होगा कि वह 3 ही वह न्यूनतम संख्या होगी कि जब हम 147 में 3 से भाग देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। देख लेते हैं कैसे, 3 चौके 12 हुआ और 3 नाम 27 हुआ, ये पूर्ण वर्ग संख्या किसकी, 7 की, क्योंकि 7 सत्ते 49 होता है, 7 × 7 49 होता है। देखिए, ये भी सही है हमारा कि वह संख्या 3 न्यूनतम संख्या मिलेगी। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। हमें दिया है 350 में किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या मिले। 350 ले लेते हैं, यहाँ पे हम उसका LCM निकाल लेते हैं, गुणनखंड, ये हम 5 से काट देते हैं पहले, 5 सत्य हुआ 35, फिर 5 से काट देते हैं, ये हुआ 5 एकम 5 और 5 चौके 20। अब 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 2 एकम 2। ये देखिए, हमें 5 के पेयर मिल गए हैं पर 7 और 2 के पेयर नहीं मिले, तो हम 7 और 2 का आपस में गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 और ये 14 ही वह संख्या होगी जिसको हम 350 में भाग देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी।